देखिए एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर 5 नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। आता है प्रश्न, चुंबक किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे चुंबकत्व कहते हैं, परंतु किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है और आरोपित बल जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यह रहा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में देखा गया, जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए छड़ चुंबक पॉइंट वन, छड़ चुंबक क्या है? जब कोई आवेशित छड़ किसी भी क्षेत्र में प्रवाहित किया जाता है तो वह छड़ अपने चारों तरफ एक निश्चित क्षेत्र आकर्षित करता है, निश्चित रेंज में आकर्षित करता है जो चुंबकीय छड़ का निष्पादन करता है। जैसे में देखा जाए एक स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई चुंबकीय सुई या कंपास की सुई हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही ठहरती है। ऐसे में यदि सुई के पास एक दंड चुंबक लाया जाए तो इस प्रभाव से सुई अपनी तरफ आकर्षित होती है और इस अवस्था में विचलित होकर घरे जेबी इसी आधार से देखा जाए तो यह जो है चुंबकीय बल रेखाएं विभिन्न प्रकार से निर्देशित किया जाता है। जैसे में ये रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। नंबर एक, चुंबकीय बल रेखाएं एक धनात्मक और ऋणात्मक दो होती हैं, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। नंबर एक में देखा गया संतत एवं लूप पाली रेखाएं संतत एवं लूप के नियमों का पालन करती हैं और धन से शुरू होकर धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक छोर पर खत्म होती हैं। ऋणात्मक छोर पर खत्म होती हैं और ये सतत एवं लूप बनाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है किसी भी बिंदु पर किसी गामी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के परिणामी चुंबकत्व बी दिशा में निर्देशित होती है, बी दिशा में
या जो है निर्देशित होती हैं। इस तरह से तीसरी पॉइंट आती है, चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। इन तीन नियमों का चुंबकीय बल रेखाएं सदैव पालन करती हैं और इन तीन नियमों पर आधारित भी रहती हैं। इसी तरह से ये बल रेखाएं कार्य करती रहती हैं। लंबवत क्षण पर यह सदैव नियंत्रित रहती हैं। ये चुंबकीय रेखाएं लंबवत क्षेत्र में कार्य करती हैं तथा लंबवत क्षेत्र में ये प्रगतिशील रहती हैं। तो ये चार नियम जो है चुंबकीय बल रेखाएं का रेखाएं पर पालन करती हैं। आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के द्विध्रुव। तीसरी पॉइंट है द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या है? जब हम द्विध्रुव को देखते हैं तो द्विध्रुव के अंतर्गत आने वाले कई बल रेखाएं एक दूसरे पर कार्य करती हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम भी इसी पर आधारित होते हैं। जैसे बायो सावर्ट का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम आदि इस पर कार्य करती हैं। धारावाही प्रणालिका के साथ साथ यह सदैव सीधी रेखा में गतिशील होती हैं। द्विध्रुव में दो सिराएं होती हैं, दो नियमों का पालन होता है। द्विध्रुव के अंतर्गत आने वाली चुंबकीय द्विध्रुव में देखा गया समरूप और समांतर। चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय द्विध्रुव दो समान परिणामों के विभाजित चुंबकीय ध्रुव से बनता है, जो एक दूसरे के बहुत कम दूरी पर निर्भर करता है। साथ ही साथ धारावाही लूप में स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई छड़ एक दूसरे के प्रति संपूरक होती है। और इसी के साथ साथ चुंबकीय छड़ में दिक्सूची की सिराएं उत्तर का उत्तरी छोर पर, दक्षिण का दक्षिणी छोर पर, जिस तरह से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये समतल है और इस समतल से एक रेखे से एक छड़ को बांध कर लटकाया गया। यह छड़ जो है लेफ्ट और राइट यानी दक्षिणी सिरा दक्षिण की तरफ, उत्तरी सिरा उत्तर की तरफ जो है सदैव निर्देशित होता है। इस तरह से यह जो है कहा जाता है कि छड़ चुंबक दिक्सूची, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली समिति, धारावाही प्रणालिका एक चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं और इस एग्जाम्पलों पर यह जो है कार्य करते हैं। यदि चुंबक को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाएं, उनमें से प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबकी की तरह व्यवस्थित किया जाए तो उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। वह सदैव एक दूसरे के पूरक होकर के अपने ही दिशा में ही गतिशील होते हैं। तो इस तरह से हम चुंबक का सत्यापन करते हैं। आता है प्रश्न इसी में बल युग्म।
बल युग्म क्या है? देखें, बल युग्म में आने वाले आपका फोर पॉइंट है बल युग्म। बल युग्म में क्या है? जब दो बल रेखाएं एक ही सिरे पर कार्य करते हैं उसे हम बल युग्म कहते हैं। यानी जब दो बल एक ही स्थान पर कार्य करते हैं उसे बल युग्म कहते हैं। जैसे में बल, देखिए दो प्रकार के बल भी होते हैं, एक विपरीत बल और एक समांतर बल। समांतर बल का एग्जाम्पल है जब एक ही दिशा में दो बल कार्य करते हैं और समान दिशाओं में कार्य करते हैं, समांतर काम करते हैं, ऐसे बल रेखाएं जो है समांतर बल कहलाती हैं। और विपरीत समांतर बल, जिस तरह से ये तीर का निशान संकेतित किया जाता है कि एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, मानी दो बल रेखाएं कार्य एक दूसरे के विपरीत कर रही हैं, इसे हम जो है बल युग्म के अंतर्गत विपरीत समांतर बल कहते हैं और ये समांतर बल है। प्रश्न है, बल युग्म चुंबकीय बल युग्म की रेखाएं इस रेखाओं के अंतर्गत देखा गया, बल युग्म इस बल युग्म में चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा रेखी चालक बल एक अनुभव करता है, अर्थात लूप की प्रत्येक भुजा पर एक समांतर बल कार्य करता है। जैसे में हम ये आपका फिगर ले रहे हैं, ये बल रेखाएं एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं और इस पर एक समांतर प्लेट है और इस प्लेट पर विभिन्न प्रकार के बल क्रियाशील है, F1, F2 और CRS, ये संकेतिक हैं और इस पर बिंदु कार्य कर रही हैं। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे आरिव फोर्स, F फोर्स इंटू डिस्टेंस लंबवत दूरी। ये इनका जो है सूत्र होता है, अर्थात इस सूत्र को हम टाउ बराबर प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन स्मॉल आई ए बी साइन थीटा से व्यक्त करते हैं, जो 90 अंश का थीटा बराबर 90 अंश का कोण का सत्यापन होता है। तो ये बल रेखाएं युग्म एक दूसरे पर कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है और ये एक दूसरे के अनुपूरक भी होते हैं। इसी में स्थिति ऊर्जा, गतित ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र आदि का व्यंजन लिख करके हम इनका सत्यापन करते हैं और सत्यापन करके इनका परिणाम निकालते हैं। इन्हीं के साथ साथ इस चैप्टर में अन्य चुंबक हैं जिसमें परमाणु मॉडल प्रश्न आता है 5,
परमाणवी मॉडल, परमाणवी मॉडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के चुंबकत्व हैं। ये चुंबकत्व निम्नवत होते हैं, जिसका विवरण हम अगले वीडियो में दे रहे हैं।